हेलो गाइस, ये है वाई जी लॉ और आज हम पढ़ेंगे इंडियन पिनल कोड में पनिशमेंट फॉर अबेटमेंट। अब ये पनिशमेंट के लिए मैंने स्पेशल वीडियो बनाया क्योंकि ये काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड है, इसको आप चलते फिरते नहीं देख सकते। चैन से बैठ के ईयरफोन लगा के देखना, वरना मत देखना, क्योंकि अगर ये आपने समझ लिया ना, ये अगर इस पैटर्न में आपने समझ लिया तो फिर आप नहीं भूलोगे। तो ये मैं आपके भलाई के लिए बता रहा हूँ कि इसको ध्यान से सुनना, मन लगाए कॉन्सेंट्रेशन से देखना वीडियो, है ना। सेक्शन 109 से 120 सेक्शन वाइज डील करेंगे हम, 109 से चालू करेंगे, 120 तक जाएंगे, सारे कंप्लीट करेंगे। चलो शुरू करते हैं। अब ये बेयर एक्ट में ना काफ़ी दिया तो अरेंज्ड है लेकिन काफ़ी कंफ्यूजिंग है, मतलब इसको कैटेगराइज कैसे किया जाए। तो इसको अपनी क्लैरिफिकेशन के लिए पहले अपन कैटेगराइज कर लेते हैं। अपन कौन से सेक्शन डील कर रहे हैं यहाँ पे, 109 से लेके 120 तक अपन डील कर रहे हैं। तो पहली कैटेगरी होगी अबेटेड ऑफेंसेस कमिटेड और द ऑफेंस कमिटेड इज रीजनेबली फोर्सिएबल। ये कहाँ से कहाँ तक है, यह है 109 से लेके 114 तक। ये कौन सी कैटेगरी है, ये कैटेगरी है कि मैंने जैसे मान लो अबेटेड ऑफेंस इज कमिटेड, मतलब मैंने मर्डर के लिए किसी को अबेट करा और उसने मर्डर ही कर दिया, ठीक है। या फिर मैंने उसको मर्डर के लिए अबेट किया और उसने कोई ऐसा ऑफेंस कर दिया जो मैं रीजनेबली फोर्सी कर सकता हूँ कि वो कर देगा, उन वाले केसेस में ये कैटेगरी लगेगी 109 से 114। सेकेंड कैटेगरी आती है अबेटेड ऑफेंस नॉट कमिटेड और नॉट कमिटेड फुली। अब इसमें कौन से आएंगे, इसमें आएंगे जो ऑफेंस अबेट होने के बाद किए नहीं गए। मैंने मर्डर के लिए अबेट किया और मर्डर नहीं हुआ और वो रीजनेबली फोर्सिएबल भी नहीं था जो ऑफेंस हुआ है, ठीक है, तो वो इस कैटेगरी में आएगा। ये कौन से सेक्शंस हैं, ये है सेक्शन 115 और सेक्शन 116। फिर तीसरी कैटेगरी है अबेटिंग ऑफेंस बाय द पब्लिक, मतलब मैं 10 से ज़्यादा जने हैं उन सबको साथ में अबेट कर दे रहा हूँ। मतलब जैसे मैं ऐसे कोई स्पीच दे दूँ जिससे 10 प्लस लोग अबेट हो जाएं और वो कुछ ऑफेंस कर दें, इसका एक ही सेक्शन है, इसका सेक्शन है 117। नेक्स्ट है कंसीलिंग डिजाइन टू कमिट ऑफेंस। जैसे मान लो कोई ऑफेंस होने वाला है और मैं उसके बारे में कोई अपने एक्ट के थ्रू या इल्लीगल ओमिशन के थ्रू मैं उसकी इन्फो छुपाता हूँ, ठीक है, तो वो कंसीलिंग डिज़ाइन हो जाएगा। इसके तीन सेक्शन है, इसके सेक्शन है 118, 119 और 120। तो ये चार कैटेगरीज अपन पढ़ेंगे, ठीक है, ये याद कर लेना। 109 से 114 ये, 115, 16, 17, 18, 19, 20 आगे याद करा दूंगा मैं। अब कैटेगरी वन है अबेटेड ऑफेंसेस कमिटेड और द ऑफेंस कमिटेड इज रीजनेबली फोर्सिएबल। मान लो मैं किसी को कोई एक्स ऑफेंस के लिए अबेट करता हूँ, तो मुझे इन कैटेगरी में जो 109 से लेके 114 तक है ना, ये वाली कैटेगरी, इस वाली कैटेगरी में मुझे उतनी ही सज़ा मिलेगी जितनी मैं खुद वो ऑफेंस करता उसकी मिलती मुझे, समझ में आ रहा है। मतलब मैं किसी को मर्डर के लिए अबेट करूँगा तो मुझे उस इन सेक्शंस के अंडर में उतनी ही सज़ा मिलेगी जितनी मर्डर करने पर उस बंदे को मिलेगी, समझ रहे हो। तो सेम पनिशमेंट फॉर अबेटमेंट एज द ऑफेंस, इन 109 से 114 में सेम पनिशमेंट है। 109 बोलता है एकदम सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड, इफ द अबेटेड एक्ट इज कमिटेड इन कॉन्सिक्वेंस टू द अबेटमेंट। मैंने किसी को बोला जाके मर्डर कर दे, उसने मर्डर कर दिया, उसने मर्डर किया क्योंकि मैंने अबेट किया, ये सारी कंडीशंस फुलफिल हो गई और मेरे को 109 में सेम मर्डर की ही सजा मिल गई, समझ गए। 110, when the intention of the abated is different than the intention of the abater। अब मान लो कि मैं ट्रेन में बैठा हूँ और मैं चोर हूँ, ठीक है, अब मैं सामने वाले बंदे को बोलता हूँ कि भाई वो मेरे को लगेज पास कर देना। अब उसने मेरे को लगेज पास किया तो एक तरह से उसने चोरी करी क्योंकि उसको नहीं पता कि मेरा लगेज है, ठीक है, लेकिन मुझे पता है मेरा इंटेंशन था। सामने वाले का इंटेंशन चोरी करने का नहीं था लेकिन मेरा इंटेंशन था चोरी करने का, तो सामने वाले का इंटेंशन मैटर नहीं करता है। ज़रूरी नहीं मैं जिसको अबेट कर रहा हूँ उसको भी ये पता हो कि वो ऑफेंस कर रहा है। मुझे अगर पता है मैं उससे अबेट करके ऑफेंस करवा रहा हूँ तो मुझे सज़ा उतनी ही मिलेगी। 111 में व्हेन डिफरेंट एक्ट वाज डन। अब मान लो मैं एक छोटे बच्चे को बोलता हूँ कि जाके पॉइजन मिला के आ जा, ठीक है, किसी की चाय में, जेड की चाय में पॉइजन मिला के आ जा, वो जेड की जगह एक्स की चाय में पॉइजन मिला देता है और एक्स मर जाता है। अब इधर एक्ट मेरे को कौन सी करानी थी, मर्डर ऑफ जेड, लेकिन डिफरेंट एक्ट हो गई। डिफरेंट एक्ट क्या हो गई, मर्डर ऑफ एक्स हो गया, तो डिफरेंट एक्ट भी होगी जी ना, जो मैं रीजनेबली फोर्सी कर सकता हूँ। रीजनेबली फोर्सी, देखो इंपॉर्टेंट बात है ये ध्यान रखना, रीजनेबली फोर्सी होनी चाहिए वो चीज़। डिफरेंट एक्ट में रीजनेबली फोर्सी कर सकता हूँ कि भाई एक्स की किसी बच्चा है किसी और की चाय में भी मिला सकता है जहर जाके, कोई और भी मर सकता है, तो मुझे एक्स के मर्डर की भी सज़ा मिलेगी। अब मान लो सेम सिचुएशन लो, ठीक है, ए बंदा है वो बी बंदे को लाठी देता है और बोलता है मार सी को, ठीक है। अब बी क्या करता है, लाठी फेंकता है, अंदर से छुपा हुआ चाकू निकालता है और सी का मर्डर कर देता है।
अब ए ने वहाँ रीजनेबली फोर्स ही थोड़ी ना करा था कि भाई उसने चाकू छुपा रखा है, और उसने ये भी रीजनेबली फोर्स ही नहीं किया था कि लाठी से सी की डेथ हो जाएगी। तो इसका इंटेंशन मर्डर का नहीं था, और रीजनेबली फोर्स ही भी नहीं कर सकता था कि बी अंदर से चाकू निकाल के घोप देगा। तो इधर रीजनेबली फोर्स ही वाली सिचुएशन फुलफिल नहीं हो रही, तो ये सेक्शन नहीं लगेगा। ये सेम टू सेम ये जो फैक्ट्स बताए ना मैंने, लाठी की जगह चाकू निकाल दिया, उसने लाठी दी, ये हुआ था गिरिजी प्रसाद वर्सेस एम्परर में 1934 का एक केस है। नेक्स्ट सेक्शन आता है 112, व्हेन द अबेटेड डिड एक्स्ट्रा ऑफेंस इन एडिशन टू द ऑफेंस विच वॉज अबेटेड। अब इसमें एग्जाम्पल लो, पुलिसमैन ट्राइज टू अरेस्ट ए, ठीक है, एक पुलिसमैन ए को अरेस्ट करने की ट्राई करता है, बी ए को इंस्टिगेट कर देता है कि भाई अरेस्ट रजिस्ट कर, ठीक है, मत हो, अरेस्ट मत हो। अब ए रजिस्ट तो करता है लेकिन ग्रीवियस हर्ट भी कर देता है पुलिसमैन को, मार देता है पत्थर वत्थर से कुछ कर देता है रजिस्टिंग के टाइम पे, ठीक है। अब बी इधर लायबल होगा, ठीक है, 112 के अंडर में एक्स्ट्रा ऑफेंस किया है ए ने जो अबेट किया था, बी ने तो सिर्फ इंस्टिगेट किया था ए को कि भाई रजिस्ट कर, लेकिन ए ने एक्स्ट्रा ऑफेंस कर दिया, लेकिन बी तब भी लायबल क्यों है, क्योंकि बी रीजनेबली फोर्स ही कर सकता है कि भाई रेजिस्टेंस में सामने वाले को ग्रीवियस हर्ट भी हो सकती है। तो बी दोनों ऑफेंसेस के लिए लायबल होगा, रेजिस्टिंग के अबेटमेंट के लिए भी और ग्रीवियस हर्ट के अबेटमेंट के लिए भी। अब नेक्स्ट है 113, व्हेन डिफरेंट इफेक्ट फ्रॉम द इंटेंडेड इफेक्ट अकर्स, ठीक है। अब डिफरेंट इफेक्ट का क्या मतलब हुआ, 112 में क्या था, एक्स्ट्रा ऑफेंस, रजिस्ट करने को बोला ग्रीवियस हर्ट हो गई। अब मान लो 113 में किसी ने बोला ग्रीवियस हर्ट कर, ठीक है, ग्रीवियस हर्ट के लिए अबेट किया लेकिन डेथ हो गई, ठीक है, तो इंटेंडेड इफेक्ट ग्रीवियस हर्ट था लेकिन डेथ ग्रीवियस हर्ट का रीजनेबल फोर्सिएबल तो चीज़ है ना भाई, कि अगर आप किसी को ग्रीवियस हर्ट करो तो डेथ हो सकती है, तो वो इंटेंडेड इफेक्ट नहीं है लेकिन वो रीजनेबली फोर्सिएबल इफेक्ट जरूर है। तो अगर आप डिफरेंट इफेक्ट भी अकर होता है ना इंटेंडेड इफेक्ट से, मतलब जो अबेट कर रहे हो जिस चीज़ के लिए उससे डिफरेंट इफेक्ट भी हो रहा है लेकिन वो रीजनेबली फोर्सिएबल है, ठीक है, जैसे मान लो किसी को वही वाला एग्जांपल ग्रीवियस हर्ट के लिए बोला और डेथ हो गई, तो भी लायबल हो गया आप डेथ के लिए, 113 ये बोलता है। 114 बोलता है व्हेन अबेटर इज प्रेजेंट व्हेन द ऑफेंस इज कमिटेड। अब ये थोड़ा सा कॉन्ट्रोवर्शियल है। अब देखो 114 में साफ साफ लिखा है, उसमें 14 में सेक्शन में लिखा है कि अबेटर को कंसिडर किया जाएगा एज अ पर्सन हु हैज़ कमिटेड द ऑफेंस। बाकी सारे सेक्शंस में 109 से लेके 113 तक सब में अबेटर को अबेटर ही माना गया है, उसको सजा सेम दी गई है लेकिन उसको माना अबेटर ही गया है। इसमें अबेटर को माना गया है एज अ पर्सन हु हैज़ कमिटेड द ऑफेंस, क्यों, क्योंकि वहाँ पर वो प्रेजेंट है। अब इसकी क्या वैल्यू है, इसकी वैल्यू देखो ऐसे इन थ्योरी तो कुछ नहीं है लेकिन मान लो बाद में अपील करता है, तो जो अगर आप वहीं पे उसी बंदे ने एक तो अबेटर हुआ और एक उसने खुद उसको कंसिडर किया है कि उसने ऑफेंस किया है, तो ग्रेविटी हाइयर होगी, ठीक है। 109 में भी उसको सेम सजा मिलेगी लेकिन 114 में ग्रेविटी हाइयर होगी। ग्रेविटी हाइयर क्यों होगी, क्योंकि प्रेजेंस सिग्निफाई करती है एविडेंशरी वैल्यू। 109 में क्या पढ़ा था हमने, इफ़ द अबेटेड एक्ट इज कमिटेड इन कॉन्सिक्वेंस टू द अबेटमेंट, ठीक है। और 114 में हमने क्या पढ़ा, 114 में हमने पढ़ा व्हेन अबेटर इज प्रेजेंट व्हेन द ऑफेंस इज कमिटेड। सजा दोनों में सेम मिल रही है लेकिन प्रेजेंस एक एविडेंशरी वैल्यू दिखा रही है, तो ग्रेविटी हाइयर है। ग्रेविटी हाइयर है तो उसको पर्सन वही वाला माना जाएगा कि जैसे उसने कमिट किया है वही ऑफेंस। सजा दोनों में सेम मिलेगी, समझ रहे हो, तो 114 मतलब हाइयर ग्रेविटी। तो आप बाद में वो पर्सन अगर अपील करता है 114 में कन्विक्ट होने के बाद, तो उसको कम लीनियंसी दी जाएगी, उसके लिए ज़्यादा स्ट्रिक्ट रहेगा लॉ, समझ गए। नेक्स्ट बात आती है सेक्शन 34 की। सेक्शन 34 में क्या था, कॉमन इंटेंशन। अब कॉमन इंटेंशन वाले सेक्शन 34 में और 114 में क्या अंतर है, ठीक है, सेक्शन 34 और 114 में यह अंतर है कि 114 में अबेटर प्रेजेंट तो है लेकिन जो एक्टस रियस है ना वो अबेटेड ही करता है, ठीक है, अबेटर का एक्टिव पार्ट नहीं होता एक्टस रियस में। 34 में जो दोनों इंसान होते हैं जो कॉमन इंटेंशन के एक और प्लस एक जितने भी बंदे हैं ना उनका कॉमन इंटेंशन तो होता है और एक्टस रियस भी सेम होता है। 114 में एक्टस रियस अबेटेड का होता है, ठीक है, तो ये डिफरेंट है 34 और 114, कॉमन इंटेंशन से 114 अलग है। तो ये गाइज हो गए हमारे 109 से 114, 109 से 114 में सेम पनिशमेंट मिलती है जो अबेटेड को मिलेगी, समझ रहे हो, मतलब मर्डर के लिए अबेट किया है तो मर्डर की ही सजा मिलेगी मुझे अगर 109 से 114 में वो प्रूव होता है। अब आते हैं अपन अगली कैटेगरी पे। नेक्स्ट कैटेगरी है अबेटेड ऑफेंस नॉट कमिटेड और नॉट कमिटेड फुली। अब मान लो 109 से 114 में हमने क्या डील करा कि या तो जो क्राइम अबेट करा है अबेटर ने वो अबेटेड ने कर दिया,
ठीक है, या फिर अबेटर ने जो क्राइम अबेट करा है वो रीजनेबली फोर्सी कर सकता है कि अबेटर कर देगा, ठीक है, या तो वो क्राइम हुआ है या अबेटर वो क्राइम जो हुआ है वो रीजनेबली फोर्सी कर सकता है, इन दोनों में से एक चीज़ होगी। अगर ये दोनों में से कुछ भी नहीं होगा ना, तो क्या बचता है, या तो नॉट कमिटेड और नॉट कमिटेड फुली, मतलब रीजनेबली फोर्सी भी नहीं कर सकता था अबेटर, या तो वो हुआ है या वो क्राइम हुआ ही नहीं है, कमिट नहीं हुआ। तो इसके सेक्शंस कौन से हैं, इसके सेक्शंस हैं 115 और 116। 115 बात करता है जो ऑफेंसेस पनिशेबल हैं डेथ या इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ के, और जिनके बारे में कोई और एक्सप्रेस प्रोविजन नहीं दे रखा पनिशमेंट का, ये 115 डील करता है। तो 115 में दो सिचुएशन हो सकती है, पहली सिचुएशन ऑफेंस कमिट ही नहीं हुआ, ठीक है, ए ने बी को बोला कि कोई क्राइम कर दे जिसकी पनिशमेंट है इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ या डेथ, और बी ने बोला नहीं नहीं करूँगा, ठीक है, तो ए ने तो अबेट करा है तो ए को तो सजा मिलेगी, तो वो ऑफेंस कमिट नहीं हुआ है ना, तो भी ए को सजा मिलेगी अप टू 7 साल प्लस फाइन, अगर वो ऑफेंस जो अबेट कर रहा था उसकी सजा डेथ या इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ है, ठीक है। और मान लो बी ने कुछ और हार्म कर दिया, ठीक है, बी ने नहीं बोलने की जगह कुछ और हार्म कर दिया किसी और को, जो रीजनेबली फोर्सी नहीं कर सकता ए, ले ए ने अबेट तो करा, बी ने हार्म भी करा, लेकिन ए रीजनेबली फोर्सी नहीं कर सकता वो हार्म, ठीक है, तो सम इफ सम अदर एक्ट कॉजिंग हार्म इज डन, तो 14 साल तक की सजा प्लस फाइन मिल जाएगा, ठीक है। अगर वो रीजनेबली फोर्सी कर पाता तो क्या मिलती, उस हार्म की ही सजा मिलती, लेकिन अगर वो रीजनेबली फोर्सी नहीं कर सकता और बी ने कुछ हार्म कर दिया, तो सिचुएशन टू सिचुएशन 14 साल तक की सजा प्लस फाइन मिलेगा। 116 बात करता है ऑफेंस पनिशेबल विद इम्प्रिजनमेंट, ठीक है, ये था डेथ पेनल्टी और इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ, और ये सिर्फ इम्प्रिजनमेंट, कोई सी भी इम्प्रिजनमेंट, इम्प्रिजनमेंट ऑफ लाइफ से नीचे, और नो एक्सप्रेस प्रोविजन इज प्रोवाइडेड फॉर द पनिशमेंट। ये कंडीशन अगर फुलफिल होती है, तो अगर ऑफेंस कमिट नहीं हुआ, वही वाली बात, ए ने बी को बोला ऑफेंस कर दे जिसके लिए सजा इम्प्रिजनमेंट है, बी ने बोला नो, तो एक चौथाई पनिशमेंट मिलेगी, ठीक है। मान लो ए ने बी को कोई ऑफेंस करने के लिए बोला, उस ऑफेंस की सजा 8 साल है, तो मैक्स पनिशमेंट 2 साल मिल सकती है अगर ऑफेंस कमिट नहीं हुआ है। तो अगर ऑफेंस कमिट नहीं हुआ है, ठीक है, और जो अबेटर है वो पब्लिक सर्वेंट है, ठीक है, वो कोई पब्लिक सर्वेंट है जिसकी ड्यूटी है वो ऑफेंस प्रिवेंट नहीं होने देना, तो 1/4 पनिशमेंट मिलती है अगर वो आम आदमी है। लेकिन अगर मान लो वो पुलिस वाला है जिसका काम है कि अबेट नहीं करना है, ऑफेंस नहीं होने देना है, तो उसको 2 की जगह यहाँ पे 4 साल की सजा मिलेगी, उसको हाफ सजा मिलेगी, 1/4 सजा नहीं मिलेगी, क्योंकि पब्लिक सर्वेंट है तो उसके लिए ज़्यादा सीरियस है किसी को अबेट करना। एक आम आदमी करता है वो भी गलत बात है, लेकिन एक पब्लिक सर्वेंट को तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए, तो उसके लिए डबल सजा है, समझ गए। 116, 115। नेक्स्ट कैटेगरी आती है अबेटिंग ऑफेंस बाय द पब्लिक, ठीक है, मोर देन 10 पीपल, ये एकदम सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड, अगर 10 से ज़्यादा जने हैं उनको आप साथ में अबेट करते हो और वो कोई ऑफेंस करते हैं, तो 3 साल तक की सज़ा मिलेगी। अब इसमें क्वेश्चन बताओ कि अगर 10+ पीपल हैं, ठीक है, और उन सबको मैं अबेट कर देता हूँ मर्डर करने के लिए, तो 115 या 117 कौन सा लगाओगे? 115 में तो 14 साल तक की सज़ा थी और 117 में 3 साल तक की सज़ा है, तो ये तो ऐसी बात हो गई ना कि मान लो मैं एक जने को, ए को बोलता हूँ मर्डर कर दे, और वो मर्डर कर देता है कुछ, या नहीं करता है कुछ हार्म कॉज करता है, तो मेरे को 14+14 साल तक की सज़ा मिल रही है, ठीक है, अप टू 14 साल की सज़ा मिल रही है। लेकिन यहीं अगर मैं ए प्लस 9 और जनों को, 10 जनों को करता हूँ और वो सेम ऑफेंस करते हैं, तो मेरे को 3 साल की सज़ा मिल रही है, तो नहीं, ऐसा नहीं होगा। अगर ऐसी सिचुएशन है ना, 10+ पीपल को अवेट किया मर्डर करने के लिए, तो अपन लगाएंगे डॉक्ट्रिन ऑफ हारमोनियस कंस्ट्रक्शन। इस डॉक्ट्रिन का मतलब होता है कि अपने को जो सारे लॉज है ना, उनको ऐसे अप्लाई करना है कि वो एक दूसरे को रिपग्नेंट नहीं कर दें, ठीक है। अगर आप 100 अबेटमेंट ऑफ मर्डर 10+ जनों में 117 लगाओगे सिर्फ, 115 नहीं लगाओगे, तो 115 का पॉइंट क्या है, आप ज़्यादा सीरियस ऑफेंस के लिए 117 लगा रहे हो, ये तो इंटेंशन नहीं था ना लॉज का। तो इसमें अगर 10+ जनों को मर्डर के लिए अबेट किया जाएगा, तो 115 ही लगेगा, समझ रहे हो, 117 नहीं लगेगा, क्योंकि वो ग्रेव ऑफेंस है, तो ज़्यादा सीरियस वाला इसमें वो लगेगा अपना स्टैट्यूट, समझ गए, डॉक्ट्रिन ऑफ हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन। नेक्स्ट है कंसीलिंग डिजाइन टू कमिट ऑफेंस, कंसीलमेंट शुड बी इंटेंशनल एंड विद नॉलेज दैट इट विल फैसिलिटेट द कमीशन, ठीक है, इंटेंशनल कंसीलमेंट होना चाहिए और विद नॉलेज होना चाहिए कि वो फैसिलिटेट करेगा ऑफेंस के कमीशन को। कंसीलिंग मतलब छुपाना, छुपाना छुपाना या गुमराह करना है, कुछ भी मान लो, ठीक है।
अब इसमें 119 सेक्शन, इसमें तीन सेक्शन है, 118, 119 और 120। अब इसमें 119 बात करता है पब्लिक सर्वेंट की, ये स्पेशल है, पब्लिक सर्वेंट पे ही अप्लाई होता है 119 सिर्फ, और 118 और 120 आम आदमी पे अप्लाई होते हैं। 119 बोलता है कि अगर क्राइम पनिशेबल है डेथ पेनल्टी के या लाइफ इंप्रिजनमेंट के, तो अगर ऑफेंस कमिट हुआ है, मान लो कोई क्राइम है, ऑफेंस कोई करने वाले हैं, एक्स वाई जेड कोई ऑफेंस है, ठीक है, एक्स वाई जेड ऑफेंस का डिज़ाइन कंसील करा है पब्लिक सर्वेंट ने, और उस ऑफेंस की पनिशमेंट डेथ है या लाइफ इंप्रिजनमेंट है, और ऑफेंस हुआ तो 10 साल तक की सज़ा मिलेगी, ठीक है। अगर वो क्राइम पनिशेबल है अदर देन डेथ और लाइफ इंप्रिजनमेंट, और ऑफेंस हुआ, ठीक है, तो हाफ ऑफ द लॉन्गेस्ट टर्म ऑफ इंप्रिजनमेंट, मान लो 8 साल उसकी मैक्स सजा है तो 4 साल मिलेगी प्लस फाइन और बोथ। नेक्स्ट, ऑफेंस कमिट ही नहीं हुआ है तो 1/4 ऑफ द लॉन्गेस्ट टर्म ऑफ इंप्रिजनमेंट, मान लो एक्स वाई सेट जो ऑफेंस था जिसका डिज़ाइन अपन ने कंसील करा है, एक पब्लिक सर्वेंट ने कंसील करा है, वो हुआ ही नहीं तो इधर 2 साल की सज़ा मिलेगी, समझ गए, प्लस फाइन और बोथ। तो ये 1/4, हाफ और 10 ईयर्स पब्लिक सर्वेंट में ये है, अगर क्राइम पनिश हुआ है, पनिशेबल है डेथ पेनल्टी या लाइफ इंप्रिजनमेंट से तो 10 साल, अगर पनिशेबल है डेथ पेनल्टी लाइफ इंप्रिजनमेंट नीचे किसी ऑफेंस मतलब पनिशमेंट से तो हाफ, और अगर कमिट ही नहीं किया है तो 1/4, ठीक है। तो ये दोनों में कमिट हुआ है और ये दोनों में इसमें कमिट नहीं हुआ है। नेक्स्ट है 118, 119, अदर देन पब्लिक सर्वेंट, जो पब्लिक सर्वेंट ने बताया वैसे आम आदमी के लिए। 118 में अगर क्राइम पनिशेबल है डेथ पेनल्टी या लाइफ इंप्रिजनमेंट के लिए और ऑफेंस कमिट हुआ है तो 7 साल की सज़ा, अप टू 7 साल की सज़ा, और ऑफेंस कमिट नहीं हुआ है तो 3 साल तक की सज़ा। 120 में अगर सिंपल इंप्रिजनमेंट, इससे नीचे की पनिशमेंट है डेथ पेनल्टी या लाइफ इंप्रिजनमेंट से, और ऑफेंस कमिट हुआ है तो 1/4 ऑफ द मैक्स टर्म, और ऑफेंस नहीं कमिट हुआ है तो 1/8 ऑफ द मैक्स टर्म। तो गाइज ये कंप्लीट हो गया पनिशमेंट, बहुत कॉम्प्लिकेटेड था, मैंने ट्राई किया एकदम सिंप्लीफाई करने का, इसको एक बार वापस देख लेना, समझने आए तो लिख लेना, याद कर लेना, क्योंकि ये बहुत ही टेक्निकल था और मैंने पूरा ट्राई किया कि मैं अरेंज करके आपको पढ़ा दूं। अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करो, सब्सक्राइब करो, कमेंट में बताओ क्या एक्सप्लेनेशन आपको समझ आया, नहीं आया तो बताना क्यों नहीं आया, क्या नहीं आया, वापस पढ़ा देंगे, अपने कोई लोड नहीं है। चलो गाइज मिलते हैं अगले वीडियो में।